दोस्तों आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है और ऑलमोस्ट सारे ही कंट्री में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, सारा लॉकडाउन हो रखा है। सबका इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस से निजात पाया जाए, किस तरीके से इसका वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसा दवाई हो जो कि बना लिया जाए। और लोगों में पूरी तरीके से अराजकता का एक माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में कैद हो चुके हैं कि इस कोरोना वायरस से किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। हर कंट्री का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। जहां एक ओर इस तरीके का सिनेरियो है, वहीं दूसरी साइड एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इनका ये कहना है कि कोरोना वायरस जो है वो एक नॉर्मल फ्लू है और ये एक डर का व्यापार है जो कि चाइना के द्वारा फैलाया जा रहा है। कोरोना वायरस जो है वो पृथ्वी पे तब से है जब से शायद मानव जाति भी नहीं आई थी, और ये बस अभी न्यू ये है कि ये आइडेंटिफाई हुआ है और इसका डायग्नोस्टिक किट बना लिया गया है और इसी का व्यापार होने वाला है। इसीलिए इस कोरोना वायरस को बेचा जा रहा है और लोगों में डर बनाकर इसका व्यापार किया जाएगा। अब मुद्दा ये है कि जहाँ एक तरफ पूरे डॉक्टर, साइंटिस्ट, सारा देश परेशान है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, उस बीच अगर कोई डॉक्टर ऐसा बात बोले तो निश्चित तौर पे इस पे ध्यान लोगों का जाएगा ही जाएगा। और इनके हर वीडियो पे, इनका खुद का अपना यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के नाम से, इनके हर वीडियो पे अराउंड 8-9 लाख व्यूज है, तो इतने लोग इनको देख भी रहे हैं। तो सारे लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा कि जहाँ एक तरफ पूरा देश, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, इस वायरस को इतना डेडली बता रहे हैं, वहीं एक तरफ ये डॉक्टर साहब जो हैं ये इसको नॉर्मल कोल्ड फ्लू का वायरस बता रहे हैं जो कि घर में ही रहकर ठीक हो जाएगा। ठीक 2 महीने पहले 27 जनवरी 2020 को मेरा कोरोना वायरस पे पहला वीडियो आया। वीडियो का नाम था कोरोना वायरस कंस्पिरेसी एंड क्योर। मैंने आपको तभी बता दिया था ये जो कोरोना वायरस का खेल आप देख रहे हैं दरअसल ये कंस्पिरेसी है। कोरोना वायरस सिंपल फ्लू वायरस है जिससे कोई भी इंसान 3 या 4 दिन में ठीक हो सकता है। तो इसमें सच कहां तक है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो बोल रहे हैं ये गलत है या सही है, लेकिन अगर ये गलत है तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा मिसलीड इन्फॉर्मेशन हमारे समाज में, सोसाइटी में ना दिया जाए। क्योंकि अगर ये गलत है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक थ्रीट है, और अगर ये सही है तो इतना जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, इकोनॉमी चौपट हो रखा है, इस पे देश को ध्यान देने की जरूरत है। तो सरकार को इनका वीडियो भी देखना चाहिए और क्या सही है क्या रॉन्ग है इनसे बात होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कहां तक सच बोल रहे हैं, और अगर मिसलीड कर रहे हैं तो भैया इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर किसी के घर में नॉर्मल फ्लू भी हो रहा है तो वो लोग डर रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो ना हुआ हो, और उस बीच अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम घर में रहें या हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बता देता हूं। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं टेक रिव्यू का अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं, यूट्यूब पे फ्लैगशिप जोन के नाम से। मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन देना या फिर ब्लेम गेम खेलना ऐसा करने वाला कोई चैनल नहीं है। और इससे पहले मैं अपने चैनल पे, आप मेरा चैनल पे जाओ, मेरा सारा वीडियो देख लो, एक भी वीडियो कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो टेक रिव्यू से हटके हो, मोबाइल रिव्यू हो, कैमरा सैंपल हो, अनबॉक्सिंग हो, इससे हटके हो। ये पहला वीडियो है जो लिंक से हटके है, और मैं जान रहा हूँ कि मैं लिंक से हटके बना रहा हूँ, लेकिन ये बनाने के पीछे मेरा मोटो ये है कि अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से अराजकता का माहौल पूरे देश में फैला हुआ है। और इस डॉक्टर का वीडियो जो है, ये डॉक्टर साहब का वीडियो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे को इनके बात में सच भी लगता था, लेकिन कंफ्यूजन भी बनता था कि फिर भैया अगर एक डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो पूरा डॉक्टर जो बोल रहा है इतना डेडली संक्रमित ये वो क्यों बोल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता था। कल का इनका एक वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया है कि यूके जो है, यूके का मतलब जो एक एडवाइजरी कमेटी है वो कोरोना वायरस को HCID से बाहर निकाल दिया है। मतलब ये उतना डेडली लिथल नहीं है, और HCID में इबोला है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, तो उस कैटेगरी में भी इसको नहीं रखा है। तो कल मुझे लग रहा था कि नहीं ये डॉक्टर सही बोल रहा है भाई, मतलब इतना तो डेडली वाकई में नहीं, अगर होता तो HCID से क्यों बाहर निकालता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये जो बता रहे हैं इसमें आप को क्या लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इनका कुछ वीडियो क्लिप आपको अभी दिखाता हूं, उस वीडियो क्लिप को आप सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। क्या है कोरोना? देखिए मैं आपको आधे मिनट 30 सेकंड में समझाता हूं।
साइंस के मुताबिक कोरोना वायरस के जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्व जिसे बोलते हैं, वो इस धरती में 55 मिलियन ईयर्स पहले आ चुके थे। 55 मिलियन मतलब इंसान से भी पहले आ चुके थे। और जिस रूप में कोरोना वायरस को आज देखा जा रहा है, इस रूप में भी 10,000 साल पहले ऑलरेडी आ चुके थे। नंबर वन। नंबर टू, यूएस के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के साइट में जाइए, उन्होंने अभी भी जारी किया पिछले हफ्ते, और वो जारी कुछ ऐसे किया, उन्हीं के शब्दों में, मोस्ट पीपल इन देयर लाइफ टाइम गेट इन्फेक्टेड विद वन और मोर काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ वायरसेस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहे हैं कि बचपन से अभी तक आपको हजारों बार फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी फ्लू हुआ, लेकिन आज आप ये शो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं, इसका मतलब आप वो जंग जीत चुके हैं कोरोना वायरस वाला भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आपको नहीं पता था कि जंग के साथ जो जिससे जंग कर रहे हैं वो कोरोना वायरस है, और आज आपको पता है कि वो कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस एक सिंपल वायरस है, इसका नाम आप लीजिए फ्लू वायरस, जो कि हर साल जो कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, बिल्कुल वैसे का वैसा, उससे जरा भी अलग नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने पुराने, तो क्या नया वायरस आता ही नहीं, या वायरस आते रहते जाते रहते कैसे, मतलब इसी वक्त कोरोना का कहर कैसे है? हाँ, अच्छा, ये मैं इसका एक सवाल पूछता हूँ, क्या नए इंसान आते हैं, नए प्रजाति इंसान की आती है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब जो भी होगा, मान लीजिए कोरोना वायरस के लिए भी वही है, या वायरस इटसेल्फ के लिए वही है। वायरस इस दुनिया में हमसे पहले थे और हमारे साथ हैं, और शायद हमसे बाद भी रहेगा। इंसान रहे ना रहे मैं बता नहीं सकता, लेकिन वायरस रहेगा, और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ भी कोरोना वायरस हो। ऐसा नहीं कि वो कहीं से चल के यहाँ तक आ गया, वो तो आपके साथ ही है। तो ऐसा कुछ, लेकिन फिर विदेश से आने वाले लोगों का ही क्यों डिटेक्ट हो रहा है? क्योंकि विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का टेस्ट कर रहे हैं, राइट। इसीलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आप टेस्ट किट लीजिए, पीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर जिसे बोलते हैं, और किसी भी रैंडम हेल्दी 100 लोगों का टेस्ट कराइए, 100 में से एक को बता देगा कोरोना वायरस का पेशेंट है। अच्छा, आपको कितने पेशेंट चाहिए? आपको 100 पेशेंट चाहिए, तो 100 पेशेंट चाहिए तो आपको 100 पेशेंट के लिए 10,000 लोगों पर टेस्ट करना पड़ेगा। 10,000 हेल्दी लोगों पर टेस्ट करेंगे तो 10,000 में से 100 लोगों को बता देगा ये कोरोना वायरस। तो ये आपके पहले क्यों नहीं निकला था? ये जो टेस्ट है ये बनाई अब है, डायग्नोस्टिक, मतलब किट ही अब तक नहीं थी, ये दैट इज अ न्यू वन, यस। तो क्या ये प्रोपोगंडा किट को बेचने के लिए तो नहीं है? किट तो एक बहुत छोटी सी बात है, हाँ। इसके आगे वैक्सीन आएगा। अभी देखिए जो डर का माहौल है, हाँ। इस मान लीजिए आप जो दर्शक सुन रहे हैं, अचानक अभी अनाउंस हो जाए कि इसका वैक्सीन आ गया है, आप में से कौन है जो वैक्सीन 10,000 रुपए में नहीं करेगा? मुझे लगता है करोड़ों लोग करेंगे, करोड़ों लोग। और वो तो छोड़िए, भारत सरकार भी बहुत सारा पैसा देके वैक्सीन फ्री में भी ले लेगी अपने जनता के लिए, फ्री में देने के लिए, और हमारे टैक्स के पैसे से। तो डर का व्यापार है, आप डरा डरा के हम कुछ भी बेच सकते हैं। वायरस को सिर्फ नॉर्मल कोल्ड फ्लू का जो वायरस होता है उतना ही डेंजरस बता रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व पागल हो रखा है, परेशान है, अर्थव्यवस्था चौपट है। तो अगर ऐसा कोई इंसान बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, इसकी सत्यता की जांच होना बहुत जरूरी है। ये क्लियरली बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस का से डेथ होने का जो रेशियो है वो 0.01% है, जो कि नॉर्मल कोल्ड या फ्लू से होता है। ये मतलब इनके स्टेटमेंट आप सुन चुके हैं, और बहुत लोग तो पहले से सुन रखे होंगे। तो क्या लगता है आपको, इन ये डॉक्टर का कहां तक बात सही हो सकता है? कमेंट करके आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, पता है, आप शॉक्ड रह जाएंगे। वो इलाज नहीं चलता है, वो है ह्यूमन गिनी पिग। WHO ने लॉन्च किया है सॉलिडेरिटी के नाम पे ह्यूमन गिनी पिग, मतलब इन दवाइयों को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया, पहली बार एक्सपेरिमेंटली जो पेशेंट को पकड़ा गया है उन पे टेस्ट किया जा रहा है। HIV की दवाइयां, इबोला की वो दवाइयां जो इबोला ने नहीं मारा, इबोला की दवाई ने ज्यादा लोगों को मारा, राइट, वो वाली दवाई, मलेरिया की दवाई, एंटीबायोटिक दवाई, ऐसी सारी दवाइयां जिसका कोरोना वायरस से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सारी दवाइयां जिससे लाखों लोग मरते आए हैं, वो सारी दवाइयां क्वारंटाइन में रख के पेशेंट को दिए जा रहे हैं। WHO का प्रोटोकॉल ही ये है, क्योंकि वो टेस्टिंग करना है ह्यूमन गिनी पिग जिसे बोला जा सकता है। और अब जब पेशेंट मर जाते हैं तो बोलते हैं तो कोरोना वायरस से मर गया, इन सबके बावजूद भी अगर पेशेंट भगवान की दया से वो बच जाता है तो बोलता है देखा हमने बचा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये क्वारंटाइन के बहाने से उन पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि मैं खुद इनका वीडियो कुछ दिनों से वॉच कर रहा था, लेकिन कल मुझे इनका एक 6 साल पुराना वीडियो देखने को मिला जिससे मैं खुद बहुत कंफ्यूज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो वीडियो जो था उसका कुछ क्लिप मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप खुद देखिए। आप पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे और जो अब देखेंगे आपको खुद भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा।
थिएटर में फिल्म देखना मजेदार तो होता ही है, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसे देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास कुछ और भी होगा, यानी याददाश्त बढ़ाने के कई कई यादगार नुस्खे होंगे। और ये अनूठी फिल्म बना रहे हैं विश्वरूप राय चौधरी, जिनका नाम बेहतरीन याददाश्त के लिए लिम्का बुक में दर्ज है। जब नाच और भूत को लेकर फिल्म बनाई जा सकती है तो याददाश्त बढ़ाने के फॉर्मूले को लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाई जा सकती। और ये फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया है बेहतरीन याददाश्त के धनी विश्वरूप चौधरी ने। अजीत बाबू पास में आए थे, फिल्म याद रखेंगे आपका मुहूर्त हुआ लखनऊ में। इस फिल्म के दर्शक जब सिनेमा हॉल से बाहर निकले हैं मूवी देखने के बाद, तो वो पाएंगे कि अब वो चीजों करण जौहर की मुसीबत बढ़ी, विश्वरूप ने रिलीज का डाला म्यूजिक भी। हर मामले में विश्वरूप चौधरी ने करण जौहर से बाजी मारी। उनसे पहले अपना टाइटल रजिस्टर्ड करवाया तो फिल्म का मुहूर्त भी करण जौहर की फिल्म से पहले ही कर डाला। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म शोले के कालिया और सांभा। दरअसल फिल्म शोले के ये फेमस कैरेक्टर्स कालिया और सांभा ये आज तेरा क्या होगा कालिया नाम की एक किताब रिलीज करने पहुंचे हुए थे। और ये किताब फिल्म शोले पर नहीं बल्कि मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक्स पर है। किताब के लेखक विश्वरूप रॉय हैं और कम समय में कई लोगों के नाम याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अपने इसी हुनर को किताब में बयान करते हुए उन्होंने इस फिल्मी डायलॉग को अपनी मेमोरी इंप्रूविंग मेथड से रिलेट किया। फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होंगी, जल्द ही आप एक ऐसी फिल्म देख सकेंगे जिसका मकसद आपकी याददाश्त बढ़ाने का भी होगा। फिल्म के निर्माता का मानना है कि मनोरंजन के जरिए लोगों को आसानी से काफी कुछ सिखाया जा सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी वो ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और खास मेहमान स्टूडियो में, जो हैं विश्वरूप राय चौधरी। और आज इनकी किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है तेरा क्या होगा कालिया। इसी किताब का नोवेशन करने के लिए दोनों खास मेहमान पहुंचे थे आज दिल्ली। विश्वरूप, तो दोस्तों आपने देखा कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये राइटर भी हैं, ये डॉक्टर साहब डायरेक्टर भी हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे हैं, एनिमेशन वाला पिक्चर भी बना रहे हैं। ये मतलब क्या है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये एक्चुअली में है क्या। 6 साल पहले इनका जो वीडियो है वो जी न्यूज, आज तक स्टार न्यूज, डीडी न्यूज सब पे चल रहा था। और अभी सोचिए आप कि इनका न्यूज किसी भी न्यूज चैनल पे रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। 6 साल पहले जो शख्स इतना फेमस था कि मतलब जी न्यूज, आज तक स्टार न्यूज, डीडी न्यूज सारा चैनल इनके बारे में बता रहा है, दिखा रहा है, तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनको कोई भी कवर नहीं कर रहा है। जबकि कोरोना वायरस पे इनका ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है कि आप देखकर हिल जाओगे, मतलब आप में जो डर बैठा हुआ है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। और हो सके वो सच भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये झूठ ही बोल रहे हो, ये बस अपना व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब ऐसा रायता फैला रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गलत है और इसे जांच करनी चाहिए और हमारी सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर इनकी बात में सत्यता है तो उस पे भी देखना चाहिए सरकार को, इनके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इनके हिसाब से लोगों को जो क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है इस कारण से सनलाइट नहीं मिलता है, फ्रेश एयर नहीं मिलता है, तो सरकार को ये एक बार चाहिए कि इनके इनसे बात करे। अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंगली जो है वो कोरोना वायरस का इलाज हो, और अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपका आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा।